हेलो नमस्कार फ्रेंड, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल गंगा प्रिंटिंग प्रेस में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास लेजर प्रिंटर होता है फ्रेंड, उसका हम कटेज वगैरह कैसे फिल कर सकते हैं, अपने आप खुद से ही कटेज फिल कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आप कहीं भी प्रिंटर शॉप पर लेके जाते हैं जो प्रिंटर रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, तो उनके यहाँ लेके जाते हैं तो 250 से 300 रुपये कटेज फिलिंग का ले लेते हैं, प्लस उसमें आपका टोनर हो गया और उसमें एक्स्ट्रा 150 रुपये फिलिंग करने का लेते हैं। तो वो आप आसानी से अपने यहाँ फिल करके 150 रुपये आसानी से बचा सकते हैं। तो कैसे फिल करेंगे फ्रेंड, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक के देखते रहेगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और फ्रेंड अगर आपने अभी तक के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप उसका लाभ उठा पाओगे फ्रेंड। और फ्रेंड अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे फ्रेंड मैं रोज़ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ CDR फाइल वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, जिसके थ्रू फ्रेंड आप उसको डाउनलोड करके अपने यूजफुल में ला सकते हैं। सो फ्रेंड चलिए हम देर न करते हैं और चलते हैं अपने जो काम है हमारा, जो कटेज कैसे फिल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कटेज हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसको फिलिंग कैसे करेंगे, इसको हम खोलेंगे कैसे और इसको इसमें टोनर वगैरह कैसे डालेंगे, इसी का फ्रेंड आपको फिलिंग करने का आपको 250 से 300 रुपये आपके एरिया के हिसाब से ले सकते हैं। जैसा कि आपका मार्केट है उस हिसाब से फिलिंग करने का आपके यहाँ से पैसा ले सकते हैं। इसको आसानी से सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेगा इसको फिल करने के लिए। तो फ्रेंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी फिलिंग दिखाते हैं कि कैसे हम इसको फिल करते हैं, अपने खुद से ही खोल के इसको कैसे रिफिलिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे पास ये कटेज आ गया है और ये हमारा इंक है और आपको चाहिए एक यहाँ पे पेचकस जो कि इसको खोलने के लिए काम आए, और एक चाहिए इस तरह का चिमटे, यानी कि फ्रेंड ताकि इसको आप इससे इसका स्क्रू वगैरह निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ से इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, जैसे इस तरह से है। तो आप यहाँ पे देखिए एक ये जो स्प्रिंग दिख रहा है इसको हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसको पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं और इसको एक साइड में रख देते हैं। फ्रेंड ये हमारा स्प्रिंग हो गया, इसको हम एक साइड में रख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारा ये कहीं जाए ना, कहीं गिरे ना। और उसके बाद फ्रेंड इसको हम साइड में रखेंगे और उसके बाद आपको ये जो स्क्रू दिख रहा है ये स्क्रू को आपको ओपन करना है। तो चलिए हम यहाँ से स्क्रू को ओपन करते हैं यहाँ से। इस वाले को भी ओपन करेंगे हम स्क्रू को। तो सो गाइस, जैसा कि हमारा ये स्क्रू ओपन हो गया है, इसको खोल लिया हमने, इसको साइड में रखते हैं और इसको भी साइड में रखेंगे। इन दोनों स्क्रू को हम साइड में रखते हैं और ये जो ढक्कन है ये ऊपर का, इसको हम निकाल लेते हैं ऊपर की तरफ खींच के, जैसे देखिए ये निकल गया। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए ये जो है इसको हम साइड में करेंगे और इसको हल्का सा अपने तरफ खींचेंगे, ज़्यादा नहीं हल्का सा, और इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। जैसे कि इसको ड्रम बोलते हैं तो इसको ड्रम को निकाल के और इसको हल्के हाथ से खींच देंगे तो ये आपका ड्रम निकल जाएगा। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं इस साइड। और फ्रेंड इसके नीचे आप देख सकते हैं एक दिया हुआ है, तो इसको भी हम निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से आपको चिमटे की मदद से इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, खींचेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से जैसे कि इसको खींचने के बाद ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा निकल गया है यहाँ से, ये दोनों हमारा निकल चुका है, ड्रम और ये रोलर दोनों निकल गया है। और उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रू है, इसको भी हम निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे।
तो दोनों को हम निकाल लेते हैं। तो इस साइड से फ्रेंड हम इसको यहाँ से नीचे से इसको प्रेस करेंगे बाहर की तरफ, और ये हमारा निकल गया है। और इस साइड में भी हम प्रेस करके इसको निकाल लेते हैं। ये दोनों हमारा स्क्रू निकल चुका है, यहाँ से देख सकते हैं, एक स्क्रू ये और ये, इसको अलग अलग ये हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसके अंदर का जो पाउडर है बहुत ही तेज़ी से उड़ता है, तो थोड़ा वेट करिए, हम इसको थोड़ा साफ़ कर लेते फ्रेंड, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि और आगे करना क्या है। तो सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, हमने स्क्रू निकाल लिया और इसको आपको यहाँ से इसको उठा के अलग अलग कर देंगे, तो ये साइड में आपका अलग अलग आ जाएगा, जैसे ये दो पार्ट में हो गया। इसके अंदर फ्रेंड, इसके अंदर आपका टोनर भरा भरा जाता है, और इसके अंदर आपका जो वेस्ट रहता है पाउडर, वो इसके अंदर आके रुकता है। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए, मैं इसको बाहर अपने शॉप से बाहर लेके जाता हूँ, इसको साफ़ करता हूँ, क्योंकि इसमें का जो पाउडर होता है फ्रेंड, काफ़ी बारीक होता है, उड़ता बहुत तेज़ी से है। तो इसको हम बाहर लेके चलते हैं और इसको साफ़ करते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको बताऊंगा कि इसमें आपको इंक कैसे डालना है और किस तरीके से डालेंगे तो आपका काफ़ी सेफ़ रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड ये सब अलग अलग हमने कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब अलग अलग हो चुका है। जैसा कि, तो इसके अंदर फ्रेंड आपका इंक भरा जाता है। जैसे कि ये दोनों स्क्रू आपको दिखाया था, ये दोनों स्क्रू अगर आप निकाल लेते तो ये पार्ट खींचने पे अलग अलग हो जाएगा, और इसके अंदर वेस्टेज पार्ट रहता है और इसके अंदर आपका टोनर भरा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस तरीके से रहता है, इसको हम सैम्पल कर लेते हैं। जैसा कि आप करेंगे तो आपको इस तरीके से सैम्पल मिल जाएगा, आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये फिट रहता है इस तरीके से। तो आपको सिंपली इसको खींच के निकाल देंगे तो आपका अलग अलग हो जाएगा, ये दो स्क्रू के ऊपर टिका रहता है। तो इसमें हमारा जो इंक रहता है वो भरा जाता है, और इसके अंदर आपका जो वेस्ट पार्ट रहता है, जो भी आपका वेस्टेज रहेगा, आपका पाउडर, जो भी टोनर वेस्ट निकलता है, इसके अंदर आके इकट्ठा होता है। तो इसको हमको साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो फ्रेंड अगर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो आपका जो प्रिंटिंग है उसमें काफ़ी ब्लैक ब्लैक दिखेगा। तो इसको हम जब भी रिफिलिंग करते हैं तो यहाँ पे हम इसको साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ और इन दोनों को साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद फ्रेंड आगे आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है और इसको आपको रिफिलिंग कैसे करनी है। तो चलिए, हम इसको साफ़ करके फिर आपको बताते हैं। तो सो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, हमने यहाँ पे साफ़ कर लिया इसको, ये जो हमारा वेस्ट पार्ट है इसमें इंक होगा, जो हमारा टोनर वगैरह इकट्ठा होता है वो है, और ये जो जिसमें हम फिलिंग करेंगे ये वाला पार्ट है। तो इसको हमने साफ़ कर लिया फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड आपको इंक लेना है, जैसे कि इसको हम साइड में रखते हैं, और ये डब्बे का आपको इंक मिल जाएगा, ये समथिंग यहाँ पे देख सकते हैं 100 ग्राम का है, 120 रुपये का मिलता है, 100 रुपये का भी मिल जाता है, और इसी का रिफिलिंग करने का आपको 250 से 300 रुपये चार्ज ले लेते हैं लोग, जो भी ये करता है टोनर वगैरह, जहाँ पे प्रिंटर वगैरह बनते हैं। तो आपको सीधा मार्केट से ये ख़रीद के लेके आना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे IHP 0556 ये मॉडल है इसका, निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, हमारे पास एक ये है चाकू है, पेपर कटर है, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। इसके अंदर देखिए फ्रेंड, कोई भी वेस्ट पार्ट ना जाए, नहीं तो आपका जो इंक है इसके अंदर में जो ये मैग्नेट लगा रहता है, इसके ऊपर आपका स्क्रैच वगैरह आएगा तो आपका जो इसके अंदर से निकलने वाला इंक है वो बराबर आपका पकड़ेगा नहीं आपके रोलर वगैरह पर, तो इसके अंदर कोई चीज़ न जा पाए। और यहाँ पे देखिए, हमने एक ये बनाया है, आप भी बना सकते हैं पेपर का। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर, इसके टोपे के ऊपर यहाँ पे इसको फिट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से अपने जुगाड़ बना लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि हमारे पास यही एक जुगाड़ है, क्योंकि जब भी मैं भरता हूँ तो इसी तरह से बना के भर लेता हूँ, तो आप भी पेपर का बना सकते हैं। चलिए, इसको हम साइड में करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे
इसको ओपन करेंगे जहाँ पे हमको इंक भरना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि इसमें दो तरह दिया है, एक ये साइड है और एक ये साइड है, दोनों साइड में आपका इंक खुल जाएगा। पर इस साइड अगर आप खोलते हैं तो आपका जो भी ये साइड का पूरा रोलर वगैरह का जो कि इसके अंदर का पार्ट है पूरा अलग अलग हो जाएगा। तो इस साइड का खोलिएगा नहीं, इस साइड में देख सकते हैं जैसे कि ये जो दिख रहा है जिस पे हमारा रोलर वगैरह चलता है, ये कटिंग कटिंग दिख रहा है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कटिंग कटिंग है। तो इस साइड छोड़ के आपको इस साइड का ओपन करना है, तो इसको हम ओपन करते हैं। चलिए यहाँ से हम इस वाले स्क्रू को खोलते हैं, तो इस वाले स्क्रू को हम खोल लेते हैं। और उससे पहले फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेट लगा हुआ है, ये जो मैग्नेट लगा हुआ है फ्रेंड, इसको आपको दबा के रखना है, नहीं तो फ्रेंड आपके इसके अंदर का जो भी इंक है ये इस साइड से बाहर गिर जाएगा। और अगर आप इस वाले को नहीं खोलना चाहते तो आप यहाँ से भी इंक भर सकते हैं इस मैग्नेट को निकाल के। तो फ़िलहाल हम इसको यहीं से इंक भरेंगे यहाँ से, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसा कि हम इसको ओपन करते हैं, इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद आप यहाँ पे इसको रख लेंगे साइड में, इस साइड में रख लेते हैं। और इसको जैसे ही ये आपको यहाँ से निकाल लेना है, इसको इस तरीके से निकाल लेना है, ये निकल जाएगा। और इसका ये ढक्कन है आप देख सकते हैं, तो इस ढक्कन को आपको ओपन कर लेना है, या तो मैग्नेट खोल के आप इस वक्त इसको भी निकाल सकते हैं। तो इसको आप निकालिएगा नहीं, नहीं तो आपका जो भी इसके अंदर टोनर रहेगा वो आपका गिर जाएगा, बाहर फेंक देगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस साइड से इस ढक्कन को खोल लीजिएगा यहाँ से। और खोलने के बाद फ्रेंड आप जो भी इंक भरेंगे इसके अंदर भर देंगे आप इंक। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमने जुगाड़ बना कर रखा था, तो इसको हम यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं। और डालने के बाद यहाँ पे भरना स्टार्ट हो गया हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप अपना आसानी से इंक भर सकते हैं अपने जो भी आपके पास लेजर प्रिंटर है, जो भी इसका कटेज है, अगर लेजर प्रिंटर कोई भी कटेज है उसको आसानी से खोल के अपने से रिफिलिंग कर सकते हैं फ्रेंड। रिफिलिंग करने का आपको सिर्फ इंक चाहिए, और उसके बाद आप अपना खोल वगैरह खोल के कर सकते हैं। और दूसरे कस्टमर का भी आप कर्ज के आसानी से अपने 200 से 250 रुपये ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बंदा आता है, कोई भी कस्टमर आता है कि हमारा रिफिलिंग कर दीजिए, तो आप उसको खोल के सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर अंदर रिफिलिंग करके दे सकते हैं, और उतने का फ्रेंड आपको 200 से 250 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये इंक डल चुका है यहाँ पर, तो इसके अंदर से हमने पूरा इंक निकाल लिया है। और इसको आप पकड़ के रखिएगा, ये जो मैग्नेट है इसको आप पकड़ के रखिएगा, नहीं तो इस साइड से मैग्नेट फेंक देगा और जो भी हम इंक भरे हैं पूरा ये बाहर आ जाएगा। तो हमारा इंक भर चुका है, आप इस देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं। और चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ इसको निकाल के, इसको हम रखते हैं नीचे। और यहाँ पे देखिए ये हमारा डब्बा खाली हो चुका है, तो इसको हम अब फेंक देंगे। इसको देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है, 120 रुपये का मिलता है, 100 ग्राम का है। ये आप देख सकते हैं ये एचपी का है, एचपी लेजर प्रिंट लेजर जेट है, तो ये सब इन सब में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 10-10 में काम करता है, 1100 में, 1200 में, 2100 में, 4000 में, सब में ये काम करता है। एक लोकल आता है, एक कंपनी का आता है, तो ये सब में काम करता है। तो आप देख सकते अपने हिसाब से आपके इधर जो भी इंक मिलता है आप ला के अपना फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम साइड में कर लेते हैं, और यहाँ पे फ्रेंड इसको हम निकाल यहाँ पे साइड रखते हैं, और इसका जो ढक्कन है यहाँ से हम इसको लगा लेते हैं। और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, तो ये आपको समझ में आएगा। और उसके बाद फ्रेंड आपको ये जो दिख रहा था, ये अपने ढक्कन जो खोला था उसको आपको यहाँ पे लगा लेना है, यहाँ से इस तरीके से फिट कर लेना है। और जैसे ये फिट हो गया, उसके बाद फ्रेंड आपको जो स्क्रू खोले थे
यहाँ पे हम एक स्क्रू जहाँ से खोले थे वहाँ पे हम इसको कस देंगे। इसका स्क्रू दूसरा है फ्रेंड, हम दूसरे स्क्रू कसते हैं, थोड़ा सा ये लूज हो गया है तो हम ये वाला स्क्रू कस लेते हैं यहाँ से। कस के इसको हम टाइट कर लेते हैं फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ से अब इस वाले को लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो ये जो है ये वाला जिसमें हम मैग्नेट डाले, ये और ये साइड में रहेगा जैसे कि इस तरीके से रहेगा। और इसको आपको यहाँ पे फिट कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ से ऊपर साइड में करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से फिट हो जाएगा। जैसे कि ये है यहाँ पे, जैसे ये खाँचा बना हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर ये जो पार्ट दिया है ये दोनों, यहाँ से हम इसके अंदर डाल देते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए हमारा ये फिट हो गया है। और उसके बाद फ्रेंड आपको जो यहाँ से निकाले थे इस वाले से, यहाँ पे एक स्क्रू जो दिख रहा था यहाँ पे, तो इस वाले स्क्रू को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। और इसको डालने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा ये चला गया और ये यहाँ पे एक स्क्रू लग गया। और इस तरीके से यहाँ पे भी एक है, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। और लगाने के बाद फ्रेंड आपको दिखाते हैं कि और इसके अंदर आगे करना क्या है। तो इसको हम थोड़ा साइड करेंगे और इसके अंदर का ये स्क्रू जो है हम लगा लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद फ्रेंड जो हमने ड्रम यहाँ से निकाला था, जैसे कि ये ड्रम हो गया और यहाँ पे रोलर निकाला था मैंने, तो यहाँ पे रोलर ये है, तो रोलर को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये इसमें उल्टा सीधा नहीं होता, आप कैसे भी लगा सकते हैं रोलर को, यहाँ पे रख के रख लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से दबा देंगे तो आपका यहाँ से फिटिंग हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये हमारा फिटिंग हो गया है ये रोलर, और यहाँ पे फिटिंग नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पे दबाने के बाद आपका ये फिटिंग हो गया है यहाँ से। और इस तरीके से फ्रेंड आप इसका ड्रम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। तो ड्रम को फ्रेंड आपको यहाँ पे जैसे ये वाला है इसके अंदर जाना चाहिए, तो यहाँ से हम इसको साइड में करेंगे और इसके अंदर देखिए यहाँ से करके, और इस साइड से हमको यहाँ से धीरे से प्रेस कर देना है यहाँ से, तो हमारा जो ड्रम है वो लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा हो रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा साइड करना है और यहाँ से आपको दबा देना है अंदर साइड को। और यहाँ पे देखिए हमारा ये लग गया है। उसके बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये वाला लगाया था ये वाला ढक्कन, तो इसके अंदर आपको इस ढक्कन को यहाँ से ऐसे लगा देना है, इस तरीके से ढक्कन को लगा के। और जो नट ये था, ये नट है, उसको आपको दोनों इसके अंदर कस देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ इसको नट को इसमें कस दिया। और एक नट ये पड़ा है, इसको भी हम यहाँ पे इस साइड में कस देते हैं। सो गाइज, अगर ये हमारा जो आपको जानकारी दिया है ये टोनर भरने का, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और दोस्तों का शेयर करिएगा। तो ये हमारा कटेज पूरा फिल हो चुका है, और एक स्प्रिंग ये पड़ा हुआ है फ्रेंड, तो इसको आपको कहाँ लगाना है तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले को साइड करना है और यहाँ पे इसको फंसाना है
इस तरीके से, और ला के आपको जैसे कि ये जो चिमटा पड़ा हुआ है आपके पास, जो भी चिमटा होगा या जो भी चीज़ होगा, यहाँ से आपको इसके अंदर डाल देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने इसका। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप डायरेक्टली इसको प्रिंटर में डाल के और अपना फ़ोटो स्टेट जो भी है आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये हमारा कटेज बिल्कुल फिल हो चुका है। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और ताकि फ्रेंड मैं कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पे डालूँगा, या तो CDR हो गया या डिजाइन हो गया या प्रिंटर से रिलेटेड कोई भी पोस्ट हो गया, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और उसका सबसे पहले आप लाभ उठा पाओगे फ्रेंड। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके मैं टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ फ्रेंड, ताकि जिसके थ्रू फ्रेंड आप उसको डाउनलोड वगैरह करके अपने यूजफुल में ला सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे उसमें अर्निंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, जिसके थ्रू फ्रेंड आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल वगैरह करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और उसको अपने पेटीएम वगैरह में या तो बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के ऊपर। जब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल गंगा प्रिंटिंग प्रेस में।